पिछले ब्लॉग में हमने एक्सप्लोर किया था अल-फयादी हिस्टोरिकल नेबरहुड। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है, आप वहां जाके उसको देख सकते हो। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे म्यूजियम ऑफ इल्यूजन, गोलसुख और स्पाइसुख। चलिए स्टार्ट करते हैं। Hi everyone and welcome back to my channel, Hey Lina. दुबई क्रीक के इस पार है ओल्ड दुबई और उस पार है न्यू दुबई। ये है स्टारबक्स। अगर आप कॉफी लवर हो तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। सुना है कि ये बहुत ही अच्छा है। चलते हैं म्यूजियम ऑफ इल्यूजन में। इसका टिकट कॉस्ट पर पर्सन 75 धीरम है और हमने एडवांस में ही परचेज कर लिया था। ढूंढते ढूंढते अब हमको मिला है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। ये सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ओपन रहता है, तो बस अभी हम अपनी चेक इन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। ये एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ आके दिमाग की बत्ती जल जाती है। यहाँ की चीजें और कलाकारी देख के हम तो हैरान ही रह गए। क्या लगता है, ये लीवर इसमें से निकलेगा? पता नहीं। अरे ये तो निकल गया आराम से। इस स्पिनिंग डिस्क को अगर 30 सेकेंड तक स्टेयर करते रहो, ऐसा लगता है कि हम हिप्नोटाइज हो गए हैं। ये क्या मेरा भ्रम है जो इतनी छोटी दिख रही है? Why is this Einstein staring at me like this? ये मस्त है। ये है मिरर रूम। But when you just measure it, they are the same size. Yes. It's exact same size. I didn't expect that. Same here. The lines are the same size, but they look different. ये भी एक अजूबा है। ये अपने आप के साथ ही कार्ड्स खेल रहा है। कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? मस्त है ना? दिस इज अ रूम विथ नो ग्रेविटी, जहां माइकल जैक्सन की तरह खड़े हो सकते हो। अब हम जा रहे हैं गोलसुख। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन से अगर गोलसुख जाना है, इट्स बेटर वी गो बाय बोट। एक तो एक दिरहम पर पर्सन लगता है, दूसरा टाइम भी कम लगता है। हम अब आए गोलसुख में। यहाँ की गोल्ड की खासियत ये है कि प्योर होता है, प्लस मेकिंग चार्जेस काफ़ी कम होता है। अदरवाइज गोल्ड सब जगह सेम है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, प्योरिटी एंड मेकिंग चार्जेस। आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, ये पूरा ज्वेलरी मार्केट है पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है गेट पे। और यहाँ जो शॉपकीपर्स है मोस्टली इंडियंस और पाकिस्तानी हैं। ये है वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड रिंग। इनके तो कपड़े भी गोल्ड से बने हुए हैं। ओह माय गॉड, कितने बड़े बड़े नेकलेसेस हैं। जो भी वेट चार्ज होता है वो हम रिफंड करवा सकते हैं एयरपोर्ट पे बिफोर चेक इन। करीब 80% तक वो रिफंड हो जाता है। गोल्ड सुख के बाद अब बारी है ईरानी स्पाइस मार्केट, जहां आप मसाले, केसर और हर्ब्स खरीद सकते हो। यहाँ के शॉपकीपर्स मोस्टली ईरानी हैं। इनके फादर ग्रैंडफादर्स ने यहाँ पे दुकानें बसाई थी और ये जनरेशन टू जनरेशन ये चला आ रहा है।
ये बहुत पुराना मार्केट है, आज भी इसको वो ट्रेडिशनल लुक दिया गया है। ये जैसे कि बहुत पुराना मार्केट है तो बहुत कंजेस्टेड भी है, तो पूरा मार्केट आप चल के ही एक्सप्लोर कर सकते हो। बेस्ट खजूर है मजदूर खजूर, कि अगर आपको खजूर लेना है आप यहाँ के ले सकते हैं। ऐसे भी बोलो अगर तो इधर से टेस्ट के लिए 1 किलो भी तक फ्री है। This is dry lemon, huh? इसको क्या सुखाते हो आप लोग? हाँ ऐसे होता है। अच्छा ऐसे थोड़ा सूप में डालो, खाना में डालो। हम सोच रहे हैं खाना यहाँ खाना है कि घर जाके खाना है। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि खाना तो घर ही जाके खाएंगे, तो हम चल दिए घर की तरफ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं फिर मिलूँगी एक नए कंटेंट के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।